आप इनको लंच के बाद भी चाय के साथ भी इनको बना सकते हैं, फटाफट कोई गेस्ट आए तब भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट, बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन टेम्पुरा रेसिपी। चिकन इसके लिए चाहिए हमें जो चीज़ें वो आप नोट कर लें। इसके लिए चिकन लिया है मैंने बोनलेस ब्रेस्ट पीस के, ये स्लाइसिस इस तरह कर लिए हैं। ये मैंने एक पाव चिकन लिया है, इसके इस तरह लंबे लंबे स्लाइसिस में पीस कर लिए हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा प्लेन जो है, ये एक कप मैदा चाहिए। एक अंडे की हमें सफेदी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर चिकन आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है एक चम्मच, और सादा नमक हमें चाहिए एक टीस्पून या हसबे ज़रूरत, और ये लहसुन पाउडर है एक टीस्पून, और लेमन जूस दो टेबलस्पून, और लास्ट में हमें चाहिए वाइट पेपर एक टेबलस्पून। इसमें लाल मिर्च या काली मिर्च इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें वाइट पेपर इस्तेमाल होगी। इसको बनाना नहायत आसान है, बहुत जल्द आप इसको तैयार कर लेंगे। चलें जी इसको अब रेडी करते हैं। सबसे पहले इस चिकन में हम डालेंगे लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर के बाद ये हमारा लेमन जूस है, इसके अंदर डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। 10 मिनट हो गए, चिकन जो है वो उसको लेमन लगा के मैंने रखा हुआ था। अब ये बाउल में हम डालेंगे सबसे पहले मैदा एक कप। मैदे में डालूंगी ये बेकिंग पाउडर, ये नमक, और इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर, और इसमें हम डालेंगे अंडे की सफेदी, और इसको मिक्स करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी अकॉर्डिंग टू इट्स क्वांटिटी, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसका टेक्सचर चेक करते जाएंगे साथ साथ कि जिसमें ये अच्छे से इनको डिप कर सके। ठीक से इसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको एग बीटर से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, बट मैं ये हैंड वाले बीटर से ही इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें ये तैयार हो गया मिक्सर हमारा, ना इसको बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखें जी, ये हम एक थोड़ा सा मैदा और डालेंगे एक बर्तन में। इसकी चिकन के ऊपर एक कोटिंग हम करेंगे मैदा, उसमें थोड़े से हम डालेंगे काली मिर्च सॉरी वाइट पेपर, और थोड़ा सा नमक। इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करके इसमें एक दफा ये हम सारा चिकन जो है इसको हल्का हल्का सा इसके ऊपर इसकी कोटिंग करके, और फिर बाद में हम इसकी नेक्स्ट जो है इस मिक्सचर की कोटिंग करेंगे। ये इस तरह तमाम जो हमारे चिकन के पीसीस हैं इन पे हम लाइट लाइट सा ये ड्राई वाला ये मैदे की कोटिंग करेंगे, और जब हम इन्हें फ्राई करने लगेंगे देन हम इस पर जो वो हमने मेथड तैयार किया है वो इसके ऊपर अप्लाई करके इनको डीप फ्राई कर लेंगे। जी ये ड्राई वाला जो मैदा था वो तमाम पे मैंने एक दफा इसकी कोटिंग कर ली है। अब जो हमने इसका दूसरा मसाला रेडी किया है वो इस पे लगाकर हम डीप फ्राई करेंगे। ये मैं फ्राई पैन में ऑयल डालती हूँ, और इसको गर्म होने के बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे, और हमारे मज़ेदार चिकन टेम्पूरा बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी अब हम वन बाय वन इनको कोटिंग करके ऑयल में रखते हैं। ऑयल जो है उसको बस बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो फौरन फौरन ये जलते जाएंगे और अंदर से कहीं चिकन कच्चा ना रह जाए, तो हल्की आंच करके इसको बस अच्छे से पका लेंगे ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। तो बस अभी ये रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका चिकन टेम्पूरा कैसा बना। और सेकंडली मैं आपको बताऊं कि बच्चे इसको इतना पसंद करेंगे कि आपको रोज फरमाइश करेंगे कि हमने ये खाना है, ये इतने मजे का बनता है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। सऊदीया में तो रेस्टोरेंट्स में ये बड़े कॉमन मिलते हैं, और बहुत सऊदी लोग जो हैं इसको बड़े शौक से खाते हैं, तो बड़े ये मजे के और बड़े क्रिस्पी से मतलब टेस्टी ये चिकन के पीसेस हैं, बहुत मजे के।
केचप के साथ इनको खाएं। वैसे तो केचप के बगैर तो ये इतने मजे के लगते हैं कि दिल करता है बंदा इनको खाता ही जाए, बहुत मजे के ये लगते हैं। तो लो फ्लेम पे इनको पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। जी तो व्यूअर्स देखें जी, हमारा चिकन टेप पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इनको मैं सर्विंग के लिए निकालती हूँ और इसके बाद हम इनको खाएंगे। हमारा चिकन टेम्पुरा रेडी हो चुका है। मैं आपको खा के बताती हूँ कि चिकन टेम्पुरा हमारा कैसा बना है। ये देखिए अंदर से भी ये बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल गल चुका है। तो वैसे तो केचप के बगैर भी ये बहुत मजे का होगा, मुझे यहाँ तक पता है। थोड़ा सा केचप लगा के भी खा के देख लेते हैं। सो यमी, सो डिलीशियस, और इतनी जल्दी ये रेडी हुआ है। अभी मुझे भूख लगी और मेरा दिल किया मैंने इसको तैयार कर लिया। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।